हेलो फ्रेंड्स, सूर्या टूरिज्म टिप्स में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि साथियों आप लोग सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हैं। साथियों COVID-19 का सेकेंड वेरियंट बहुत ही डेंजरस है, थोड़ा बच के रहिए, स्वस्थ रहिए। और इंडिया के अंदर और अदर कंट्रीज़ के अंदर भी रिकवरी बहुत अच्छी आ रही है, तो ये एक खुशी की बात है। आज बात करेंगे साथियों मलेशिया के बारे में कि मलेशिया कि मेरा आउट पास लग गया और इंडिया की फ़्लाइट बंद, अब क्या करें। आउट पास की अपॉइंटमेंट ली हुई थी, फ़्लाइटें बंद है तो बिना फ़्लाइट के आउट पास नहीं लग रहा तो क्या करें। जून में आउट पास ख़त्म हो जाएंगे, मतलब अब क्या करना होगा, फ़्लाइटें कब चालू होगी और मलेशिया वीज़ाज कब ओपन होंगे, इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। साथियों वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखोगे, आधा अधूरा नॉलेज मिलेगा तो आपके काम का नहीं होगा। इसलिए वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले। साथियों के आउट पास लग गया है और फ्लाइट बंद है, अब क्या करें। बहुत सारे भाई लोग थे या बंदे थे जिनके अपने क्या है कि उनके आउट पास अपॉइंटमेंट थी उस दौरान, और उस दौरान फ्लाइटें भी चल रही थी। किसी की मान लो फ्लाइटें बंद हुई, कईयों ने आगे की डेट क्लियर की थी। एग्जाम्पल किसी ने 10 मई की थी या किसी की अप्रैल की थी, ऐसे कुछ फ्लाइटों का शेड्यूल था, सबका अलग अलग अपना था। तो उनके आउट पास लग गए हैं लेकिन अब वो लोग इंडिया नहीं आ पा रहे। उसका रीज़न आपको बताया साथियों, क्योंकि फ़्लाइटें बिल्कुल बंद हैं। तो उन भाइयों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है जिनके आउट पास लग गए हैं, और जैसी फ़्लाइटें चालू होंगी वो टिकट बुक करवा के जा सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ गवर्नमेंट को भी दिख रही है, एयरलाइंस को भी दिख रही है। तो वो आपका पैसा वेस्ट नहीं है, वो आपका पैसा सेफ है, आपको कोई उस चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बात यहाँ क्लियर होती है साथियों, आपको उस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेनी है कि आपका आउट पास लग गया कहीं, यार मेरा 500 रिंगिट जो मैंने दी है टैक्सी में किया या एजेंट के थ्रू करवाया, 700 रिंगिट दी, 800 रिंगिट दी, जो भी आपने जैसा पे किया वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा सेफ है। आप जिस दिन भी फ्लाइटें जाएंगी चलेंगी आप उसी आउट पास से इंडिया आ सकते हो, इंडिया आ सकते हो, या बांग्लादेशी हो, नेपाल से हो, श्रीलंका से हो, या पाकिस्तान से हो, आप कहीं से भी हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड है कि आउट पास की अपॉइंटमेंट थी, अब क्या होगा। देखो साथियों, आउट पास की अपॉइंटमेंट के दौरान अपने को अपनी इंडिया या जिस भी कंट्री के अपन हैं वहाँ पे अपने को आने के लिए फ़्लाइट की टिकट दिखानी होती। तो अभी फ़्लाइट इंडिया के लिए बंद है लेकिन बाकी कुछ कंट्रीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए फ़्लाइटें चल रही हैं, नेपाल के लिए भी चल रही हैं, श्रीलंका के लिए भी चल रही हैं। तो वहाँ के लोग हैं वो जाके अपना अपॉइंटमेंट लगवा सकते हैं। इंडिया वाले कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे आप अपॉइंटमेंट अपनी एक्सटेंड कर सकते हो, ये चीज़ है। थर्ड है कि साथियों के आउट पास जून तक ही है और अभी फ़्लाइटें मई में बंद है, जून में हम नहीं जा पाए तो क्या होगा। साथियों डेफिनेटली जहाँ तक मैंने सर्च किया है, गवर्नमेंट की वेबसाइटों पे जा जा के सब कुछ सर्च किया, डेफिनेटली जो है आउट पास की जो बढ़ने वाला है वो दिसंबर 2021 तक बढ़ने वाला है। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आउट पास जो है लगेंगे वो 2021 दिसंबर तक लगेंगे, तो आराम से आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। जून के अंदर फ़्लाइटें वैसे चालू हो जाएंगी, लेकिन आप फिर भी कई लोग थे कि सर मेरे बॉस सैलरी नहीं दे रहा, बॉस पासपोर्ट नहीं दे रहा, या मेरे पैसे की प्रॉब्लम है, जुलाई में आऊँगा, सितंबर में आऊँगा, अक्टूबर में आऊँगा। तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए तो अच्छी चीज़ हो गई है कि भाई फ्लाइटें नहीं चली, तो उनके लिए तो बेहतरीन वाली न्यूज़ होगी, तो उनके लिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि फ़्लाइट कब ओपन होगी। देखो साथियों, मई के अंदर तो टोटली क्लोज रहेगी फ़्लाइट, बिल्कुल भी चालू नहीं होगी। अभी सुनने में आ रहा है कि 5 जून से जो है कि फ़्लाइटें स्टार्ट हो जाएंगी, तो 5 जून से आप एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो फ़्लाइटें हैं गवर्नमेंट, सिर्फ आप इंडिया आ सकते हो, इंडिया से जा नहीं सकते भले आप कौन से भी वीज़ा पे हो। सिर्फ बिजनेस वीज़ा जिनके पास है वही लोग जा सकते हैं, बाकी आपके पास वर्क परमिट है, आप आए हुए थे नहीं जा पा रहे, तो आप नहीं जा पाओगे, ये टोटली क्लोज है। आप जून 5 से इंडिया आ सकते हो, ये सबसे अच्छी बेहतरीन न्यूज़ है आपके लिए। मलेशिया वीज़ाज कब ओपन होंगे। साथियों मलेशिया गवर्नमेंट ने बीच में जो है वहाँ पे कुछ ओवरस्टे थे उनके लिए वीज़ा फैसिलिटी ओपन की थी कि आप ओवरस्टे हो, इससे अच्छा आप इंडिया नहीं जा पा रहे हो, यहाँ पे लीगली वीज़ा लगवा के आप रह सकते हो। बहुत सारे भाई लोगों ने पूछा था, मैंने उनको सजेस्ट भी किया था, कुछ लोगों के मैंने वीज़ा लगवाए भी थे जो वहाँ पे ओवरस्टे थे, तो कंपनियों के वीज़ा रिन्यू हुए थे तो लगे भी थे। तो जून 7 से सुनने में आ रहा है कि न्यूज़ जो हमने सर्च किया है मैंने अच्छे से, कि 7 जून से मलेशिया गवर्नमेंट है जो वर्क वीज़ाज ओपन कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वर्क वीज़ा ओपन हो रहे हैं, तो सभी के लिए
खुशी वाली बात है। तो कोई भाई जाना चाह रहा था, परेशान हो रहा था, और इंडिया में भी आपको अभी पता है कि जॉब्स की क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, क्योंकि जॉब अभी इंडिया में लगभग बहुत सारे लोगों की जॉब जो है चली गई हैं, जॉब्स नहीं है और जॉब मिल भी नहीं रही हैं, और प्लस जो डेली वेजेस के वर्कर थे, जो डेली दिहाड़ी मजदूरी पे जाते थे, उनके लिए तो साथियों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि हर जगह कहीं 7 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं 10 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इस कारण जो दिहाड़ी मजदूर है उसके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। तो साथियों वीज़ा से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई हेल्प, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के स्क्रीन पे मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, आप मुझे 24/7 कभी भी व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी मेरे से हेल्प बनेगी मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। किसी प्रकार की कोई भी हेल्प, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपको वीज़ा से रिलेटेड किसी भी प्रकार से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। लेकिन साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल का सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजें ताकि मैं भी दिल से आपकी हेल्प कर सकूं। डेफिनेटली मैं दिल से हेल्प करूंगा आपकी, लेकिन अगर स्क्रीनशॉट जो मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजोगे ना कि भाई मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया, अब मुझे तो एक दिल से अलग खुशी आएगी, हाँ कि यार भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, तो ये चीज़ है। तो थैंक यू सो मच, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।